Hi everyone, my name is Natasha and today we'll be talking about how ULIPs can help us save a lot of taxes. So before moving on to the tax benefits of ULIPs, we would want to also understand that how it is an investment tool and what exactly a ULIP is. So ULIP stands for Unit Linked Insurance Plan. इसमें 7 ऑप्शंस रहती हैं, डिफरेंट टाइप के फंड्स रहते हैं जिसमें आप मार्केट का भी एक्सपोजर ले सकते हैं और मार्केट से दूर भी रह सकते हैं। So now we move on to the tax reduction part. अगर आप ULIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ATC के अंडर अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग अवेलेबल इन योर ATC सेक्शन। अकॉर्डिंग टू द टैक्स रूल्स अंडर सेक्शन 1010B, इसमें जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है वो सारा टैक्स फ्री रहता है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी ऑन इट। इसमें पार्शियल विड्रॉल्स भी टैक्स फ्री रहते हैं, तो फ्रॉम अगर आप इक्विटी से डेट में स्विच करना चाहते हैं तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा और आप उसमें स्विच कर सकते हैं आप जब चाहें। बट जैसा कि मैंने बताया था कि टैक्स इन सेविंग इन्वेस्टमेंट एक लॉक इन के साथ आता है, तो इसमें सबसे कम लॉक इन रहता है, विच इज़ ओनली 5 ईयर्स। तो अगर हम इसको एक तरह से देखा जाए, 5 ईयर्स के लॉकिंग पीरियड में अगर एक प्रॉपर फंड तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट भी मिल सकता है, एक अच्छा गेन भी मिल सकता है, अप टू 10-12%। अलॉन्ग विद दैट आप अपने टैक्स सेविंग भी कंप्लीट कर सकते हैं और जितना भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं आप वो सारा टैक्स फ्री रहेगा, तो ये आपको जितना भी टैक्स हो सके उसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है बचाने के लिए। तो एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें आपका थोड़ा सा अमाउंट इंश्योरेंस कवरेज भी आपको प्रोवाइड करता है। ये जो सेक्शन 1010D का आपको बेनिफिट मिलता है, ये आपको तभी मिल सकता है जब आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम से कम हो। ये इसमें आप SIP के मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। Thank you everyone for watching this video, and if you really like this video, kindly subscribe to our channel and we'll see you in the next video.